देखिए कितना सुंदर दृश्य है, मनमोहक दृश्य माता रानी का। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम यहाँ पर हैं सतधारा के पास। सतधारा पे एक्चुअली माँ नर्मदा जी पे दो पुल बने हुए, एक पुराना पुल है और एक जो नया हाईवे बना है उसके लिए पुल बना हुआ है। तो नए पुल के पास हैं अभी हम, दक्षिण तट पर। यहाँ पर एक गौरी शारदा आश्रम करके है, तो यहाँ कुछ परिक्रमावासी जिनकी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है, बस द्वारा उन्होंने परिक्रमा की थी, पूर्ण हो चुकी है, उनका कुछ कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। तो आइए अभी चलते हैं, देखते हैं उनके कार्यक्रम को भी और कैसे क्या समापन होता है। और यहाँ पर आश्रम की व्यवस्था में कौन है, अगर उनसे मुलाकात हो जाती है तो थोड़ी सी बात करते हैं कि आश्रम की क्या व्यवस्थाएँ हैं और कैसे क्या आश्रम चल रहा है और क्या क्या सुविधाएँ परिक्रमावासियों को दी जाती हैं। तो आइए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए YouTube चैनल एहसास प्रकृति का। और पीछे से थोड़ा सा नज़ारा हम देख लेंगे। ये देखिए पीछे हमारे, ये देखिए किस तरीके से फाउंटेन, वाह, नर्मदे हर, जय मातेश्वरी। नर्मदे हर, ये देखिए माता रानी कितना सुंदर वातावरण। और ये देखिए यहाँ मध्य प्रदेश के किसान इस तरीके की सिंचाई करते हैं, खेत को लेवल करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ऊंचा नीचा खेत बना रहे, पैदावार में भी कोई कमी नहीं आती है। देखिए कितना सुंदर, अच्छा भी लग रहा है ये, फुब्बारे से चलते हुए ये फाउंटेन बहुत सुंदर लग रहा है। ये गेहूं की खेती है, देखिए गेहूं बोया गया है और गेहूं की सिंचाई चल रही है। ये नर्मदे हर प्रभु महाराज जी, आपका शुभ नाम? हल्के महाराज। हल्के महाराज, हम सब शरीर से भी बहुत हल्के हैं, नाम भी आपका हल्के महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ माई की सेवा में कब से हैं आप प्रभु? एक साल हो गया। एक साल से? इससे पहले आप कहाँ थे? पहले वृंदावन में थे। वृंदावन में? अच्छा अच्छा, गौ सेवा में थे। वृंदावन में गौ सेवा में थे, तो वृंदावन में किस जगह महाराज? ये अनुरुद्धाचार्य जी के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, अनुरुद्धाचार्य जी का गौरी गोपाल आश्रम। वाह वाह वाह, गुरु जी को मालूम पड़ा हमारा। अच्छा, आए पहले, आए तीन पहले ऐसे चले गए, दूसरा बाबा था जी, तो उनने बोला हमसे कि महाराज जी कहाँ पे हो? गुरु जी आश्रम वाले मालक, कहाँ पे हो हल्के महाराज जी? जी हम वृंदावन में। तो कहीं महाराज जी अपने वृंदावन आ जाओ, अपने वृंदावन में रहो। अच्छा,
तो मैंने कहा ठीक है तो कब आ जाओगे, हमें 1-2 तारीख को आ जाएंगे। अच्छा तो 2 तारीख को मैं यहाँ यहाँ आ गए। अच्छा 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 सबसे हाई जी जी एक बाबा हुआ था उसको हमने हटा दिया। अच्छा अच्छा हाँ उनको हटा दिया जी। तो मैं यहाँ पहले से संपर्क था आपका आने जाने का? हाँ जी पहले से था। अच्छा उसी बाबा था तो ना पैर का, उसी बाबा ने उसी के कारण आते जाते रहे ना। तो महाराज जैसे वृंदावन में, वृंदावन में भगवान कृष्ण का बचपन बीता हाँ जी, तो जैसे कि वहाँ तो भगवान कृष्ण का बचपन बीता वृंदावन में हाँ जी। और वृंदावन में और यहाँ नर्मदा जी के किनारे कुछ अनुभव आपका वहाँ का अच्छा रहा या यहाँ का या दोनों का समान? वहाँ भी का अच्छा था जी, उससे बढ़कर यहाँ पर, उससे बढ़कर यहाँ पर मिला है। अच्छा अच्छा भगवान का अवतार है तो मैया का है ये, मैया का है सुबह से मैया के दर्शन हो रहा रात के। अच्छा हाँ यहाँ आपका आश्रम तो बहुत अच्छा है, सीधे बिल्कुल माई का पूरा दर्शन होता है। देखिए हमारे दर्शक भी कर सकते हैं, पूरा सीधा माई का पूरा दर्शन होता है यहाँ, बहुत अच्छा लगता है। सब लोग आते हैं जाते हैं जी, बहुत अच्छा बढ़िया क्षेत्र है। नहीं इसमें तो कोई शक नहीं है कि माई के गोद में आकर के फिर तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है बालक। तो हाँ बिल्कुल निश्चिंत, 6 महीना में एक बाबा जाते हैं घर। अच्छा अच्छा तो वो भी बहू लड़का नाती बुलाते हैं जब। अच्छा 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 बाकी मैंने कह दिया कि हमको घर अच्छा नहीं लगता है। अच्छा तो हमको तो अब बस ही माई की सेवा करने में ही अच्छा लगता है। अच्छा माई की सेवा करना है, गाय भी है, गाय का सेवा सब देख रेख सब करना है आपको। अच्छा 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 जी। यहाँ पर महाराज परिक्रमा वासियों की क्या ठहरने की, भोजन की क्या क्या व्यवस्था रहती है? आते हैं हाँ, उनको विश्राम गद्दा कम्बल तकिया देते हैं। अच्छा अच्छा और प्रसाद पहले चाय देते हैं जी, साथ में बिस्कुट भी देते हैं। अच्छा और बाकायदा अपन उनको भोजन प्रसाद करवाते हैं, भोजन बना बनाया देते हैं। हाँ बना। अच्छा अच्छा माता राम आप भोजन बनाती हैं, चलिए अच्छा है, आप भी माई की सेवा में लगी हुई हैं। ये यहीं की है। अच्छा अच्छा ये शाम को चली जाती है। अच्छा शाम को, अच्छा शाम को घर चली जाती हैं और सुबह से शाम तक अपना यहाँ रहती हैं परिक्रमा वासियों की सेवा में। बहुत धन्य माता आप। ये भी खाली हाथ। अच्छा अच्छा ये मतलब खाली हाथ। अच्छा अच्छा तो महाराज जैसे एक एक दिन में लगभग कितने परिक्रमा वासी आ जाते हैं? तो अभी तो भीड़ घटने जा रही है, घट जा रही है, कम हो रही है। हाँ, अभी तो बीच बीच में 60-70 के करीब आती है। अच्छा अच्छा आते थे जाते थे आते थे जाते थे जी, और अब थोड़ा कम घट गया। अब कल 8-10 परिक्रमा वासी आए थे। अच्छा अब कह नहीं सकते हैं 10 आ जाए 20 आ जाए। अभी तो यहाँ काफ़ी है यहाँ पर, ये तो बसों वाले हैं, वे भी परिक्रमा वासी हैं। अच्छा अच्छा पैदल जो आते हैं, पैदल आते हैं वो अलग, उनकी सेवा करते हैं। अच्छा अच्छा उनको भोजन फ्री। अच्छा जो पदयात्री हैं हाँ, उनके लिए रहना खाना ठहरना सब फ्री है। अच्छा ये जो हाँ ये लोग अपना अपना खुद बनाते खुद खाते बनाते हैं, उनकी रसीद भी कटती है। अच्छा 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 2100 रुपया। अच्छा ये बात मतलब 2100 कटते हैं। हाँ हाँ और उसके बाद में बनाते हैं खाते हैं सफाई करते हैं भी अपनी। हाँ हाँ वो अपना खुद करते हैं। ठीक ठीक जी हाल दे देती है। हाँ हाँ वो हाल दे देते हैं खाली हाथ। बिल्कुल अच्छा 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 नीचे पड़ी है जी कुटी। हाँ साधु संत महंतों को देते हैं। अच्छा अच्छा तो महाराज यहाँ आश्रम से जमीन लगी होगी? जी है ना जी, जमीन 5 एकड़ 5.5 एकड़ 5.5 एकड़ में। लेकिन 5.5 एकड़ में फिर भी इतना कैसे हो जाता है कि इतने लोगों के लिए भोजन वोजन चलता रहता है? ये मैया ही कृपा है, ऐसे जुड़े हैं ऐसे आदमी। हाँ बहुत सारे कोई पता नहीं रहता है कि कौन जी कौन दिया जा रहा है। अच्छा कहाँ से जी आया है, कौन ने भेजा है, कोई मान और कितना कौन है दान पेटी में डाल। अच्छा और कोई और बोलते हैं वो आते हैं बड़े बड़े लोग। हाँ ये संकल्प लेते हैं मैया के काम में हम ऐसा करवाएंगे। अच्छा तो ये हमारी तरफ से इतना 2 लाख 5 लाख 4 लाख करते भी हैं।
महाराज जैसे कि हम देख रहे हैं कि माई बिल्कुल सामने है, तो जब बरसात में पानी बढ़ता है, बाढ़ आती है, तो पानी यहाँ जाता होगा? पानी नहीं, अपनी शिव जी का मंदिर है ना जी, दिख रहे हैं ये झाड़। अच्छा अच्छा, ये झाड़ पूरे डूब जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी घट जाता जी, पिला है ना, हाँ हाँ, उसके नीचे आ जाता है। अच्छा, उसके नीचे तक रहता है जो छोटे छोटे हैं। हाँ अच्छा, ये डूब जाते हैं, बाकी का ऊपर नहीं आता पानी, ये टपुआ है ना, सारा टूट जाता है। अच्छा अच्छा, वो टपुआ ऊपर जी बना जी जी, वो पूरा डूब जाता है। दर्शन बहुत सुंदर होते हैं माता के यहाँ से। कोई न हो जी, अकेले रात दिन जी मैया के दर्शन, मैया के दर्शन होते रहते हैं। सही बात, पूरा अपना समय पास हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ बोरियत नहीं होती होगी, बिल्कुल नहीं होती होगी, कोई जरूरत नहीं है घूमने की फिरने की, कहीं नहीं, बिल्कुल सही सही बात है। सुबह सुबह सूर्य भगवान की धूप भी लो और मैया के दर्शन भी करो, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। इसलिए मेरा यहाँ मन मन। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी दो गाड़ी चली गई है जी, हमको लगे रहे हैं जी कि यार महाराज जी चार्ज ने आप कर लो, हम्म, नंबर भी देगा, कार्ड देगा कि हमारे यहाँ आ जाओ। भैया मैं इतने दूर नहीं आ पाऊंगा, हमको तो यही सेवा करना, यही सेवा अच्छी है जी जी। ये आपको यहाँ कितनी मिलती, मैंने उससे मतलब नहीं रखा। ये देखिए किचन है इधर, पसारी बनती है। अच्छा, यहाँ ये यह भोजन भोजन इत्यादि तैयार किया जाता है। ये माई यहाँ भोजन बनाती हैं, वो अभी निकल गई हैं। नहीं बाहर। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये बाहर बनती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाँ हाँ, इसमें गाय भी है। हाँ उठाना उठाओ, अच्छा ये हॉल भी बना है। अरे वाह, बहुत सुंदर, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर। इसमें पंचमवासी रुकते हैं, बहुत सुंदर, अरे वाह। ये माता जी है जी, ये माता जी इनके गुरु जी, हाँ, तो ये उन माता जी के लड़के हैं। अच्छा अच्छा, बड़े लड़के हैं, तो इनको मैया को, हाँ, सारी मैया आती है। अच्छा, ये नर्मदा के तट पर शिव विष्णु की आराधना करने से, वैकुंठ की एवं शिव की आराधना करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये अच्छा, ये माता जी का आश्रम है ना, वाह, माँ नर्मदा के जल में एक माह तक विध पूर्वक स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक भी नष्ट हो जाते हैं, ये ब्रह्म नर्मदा पुराण में है। अच्छा, ये अटैच लैट्रिन बाथरूम वाले भी बन रहे हैं परिक्रमा वासियों के लिए, वाह बहुत सुंदर। ये अच्छा, यहाँ पर ये सारा स्टॉक रहता है भोजन वोजन का, भोजन सामग्री वगैरह, भोजन तो माता, हम ऐसे दर्शन करके आपका बहुत अच्छा लगा, आप देव परिक्रमा वासियों की सबकी सेवा करती हैं, अपने हाथ से बनाती खिलाती हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा।